बड़ी ईद पर बड़ी परेशानी, जानवर खरीदने के बाद कसाई की तलाश मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं। अरे यार सलीम भाई, लेकिन पूरा साल तो मोची से गोश्त नहीं लेते ना यार, तुमसे लेते ना यार, ख्याल करो भाई यार। बड़ी ईद पर बड़े नखरे होते हैं प्रोफेशनल कसाईयों के। पहले तो बुकिंग ही नहीं करते, और अगर खुशकिस्मती से साहेब वक्त दे दें तो इनके दाम सुनकर चक्कर आ जाते हैं। मौसमी कसाई मिल रहे हैं और ये इनसे सारा साल लेते हैं गोश्त, तो ये पहले दिन के 12,000 रुपए मांग रहे हैं और दूसरे दिन के 10,000 रुपए। अब क्या करें, क्या गाय लिए लिए घूम रहे हैं, बकरे से बकरवाना है, 5,000 रुपए मांग रहे हैं, अब बना किसके पास जाए, हालांकि पूरे साल इनके पास आते हैं। कसाब भी कहते हैं कि इनके मोल तो ज्यादा हैं, मगर कुर्बानी के बाद वो नहीं, इनका काम बोलता है। वो जो बरसाती आते हैं ना, वो तो गोश्त का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। हमारी अल्लाह का शुक्र है, 20 साल से यहाँ दुकान है, हम जो है ना काम सही करके देते हैं। कसाई शहरियों को मशवरा देते हैं कि वो जानवर खरीदें या ना खरीदें, इनसे टाइम पहले ले लें, वरना बाद में शिकायत होगी।